वेलकम दोस्तों, आज ये वीडियो में जानने वाले हैं वाटर कूल पैकेज एयर कंडीशनर के बारे में। जैसा कि आप देख सकते रहेंगे, ब्लू स्टार का पैकेज ऐसी है, यह प्लेनम है, डक्ट है, डक्ट के माध्यम से जैसा कि हम जानते हैं ठंड हवा जो रहता है सभी रूम एरिया में रिक्वायरमेंट जहाँ पर रहता है वहाँ पर जाता है। ब्लू स्टार का कंपनी है, देख सकते रहेंगे यहाँ पर दो पाइप इन हो रहा है एयर कंडीशनर में पैकेज एसी में। ये दो पाइप जो है, एक सप्लाई रहता है और एक इन होता है, यानी कि एक जो है रिटर्न पाइप इसमें आता है, पानी पानी जो है एक इन होता है और एक आउट होता है यहाँ से। ये बटरफ्लाई वाल्व लगा हुआ है। ये क्यों लगाया गया है? क्योंकि सिस्टम को हमें पानी जो रहता है यहाँ से बंद कर सके, और सिस्टम में कभी सर्विस करना है, इसके अंदर सैलिन ट्यूब टाइप जो कंडेंसर लगा रहता है उसे सर्विस करना है, क्लीन करना है, रिपेयर करना है, तो वहाँ से कर सके। और यहाँ पर देख सकते रहेंगे थ्री फेज का पावर जो यहाँ पर मेन इनकमिंग इन हो रहा है। इसका और भी आगे डिटेल्स में जानेंगे, तो पूरा वीडियो देखते रहिए। ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है हमारे नाइट्रेशन भाई लोग के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, HVAC सेंट्रल एसी के बारे में काम सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। ये देख सकते रहेंगे यहाँ से कूलिंग टावर के लिए, पानी के लिए पाइप जा रहा है। आप देख सकते रहेंगे यहाँ से कूलिंग टावर में जाता है। कूलिंग टावर का काम क्या रहता है? जो पानी गर्म रहता है, यानी कि सैलिन ट्यूब टाइप से जो कंडेंसर से हमारा गैस का जो ही जैसे हम जाते हैं, गैस जो रहता है हीट रहता है, गर्म रहता है, तो पानी के माध्यम से गैस को ठंडा किया जाता है, और पानी जो सर्कुलेट होते रहता है वो पानी गर्म होता है, गर्म जो वापस हमारा कूलिंग टावर में जाता है। कूलिंग टावर में इस तरह से स्प्रिंग फुहारा किया जाता है जिससे ठंडा हो जाता है। ठंडा होकर के वापस वही पानी कंडेंसर में जाता है, फिर गैस को गर्मी को अब्जर्व करता है, खींच करके आगे निपटास करता है। यही क्रिया सर्कुलेटर कंटिन्यू चलते रहता है। जैसा कि आप देख सकते रहेंगे यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, कंडेंसर दिया हुआ है वाटर पाइपिंग का। नीचे देख सकते रहेंगे लिखा हुआ है हमारा पैकेज इसी, ये नीचे दिया हुआ है। वहाँ से दो पाइप जो है रो देख सकते रहेंगे, यहाँ से दो पाइप जो है आगे जो कूलिंग टावर रहता है वहाँ पर जा रहा है। उसके बीच बीच में बहुत से हमारे कंट्रोलिंग डिवाइस रहते हैं, प्रेशर गेज रहते हैं, सेंसर लगे रहते हैं जो सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, कंट्रोल करता है, वाल्व वगैरह लगे रहते हैं। ये सब का कनेक्शन वगैरह, वाल्व का क्या सिस्टम रहता है, नर्व वगैरह जो भी रहता है, प्रेशर रिलीफ रहता है, बहुत से सिस्टम रहते हैं, वो अलग पार्ट में जानेंगे किस तरह से वर्क करता है, क्यों लगाया जाता है, क्या क्या काम रहता है। अगर इंटरेस्टेड हैं इस तरह से और भी वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें, पूरा वीडियो देखिए, अभी आपको बहुत कुछ सीखने जानने को मिलने वाला है। तो अब देख सकते रहेंगे नॉर्मली हमारा जो कंडेंसर एसी रहता है और नॉर्मल कंडेंसर जो ऑपरेटर साइड में रहता है सेम वही प्रोसेस रहता है। इसमें देख सकते रहेंगे फिल्टर ड्राई लगा हुआ है, तीन फिल्टर ड्राई लगा हुआ है। ये जो हमारा एक सिस्टम है इसमें तीन कंप्रेसर लगा हुआ है, सभी कंप्रेसर का फिल्टर ड्राई अलग है, एक्सपेंशन वाल्व अलग लगा हुआ है। यहाँ पर देख सकते रहेंगे ये हमारा एक लिक्विड लाइन है, एक सक्शन लाइन है, देख सकते रहेंगे सक्शन लाइन लिक्विड लाइन ये अलग अलग पार्ट में दिया हुआ है। यहाँ से हम क्या कर सकते रहेंगे, गैस वगैरह चार्ज करना है, वैक्यूम करना है, रिपेयर करना है, सर्विस वाल है वो वहाँ से चेक कर सकते रहेंगे। यहाँ पर देख सकते रहेंगे तीन कंप्रेसर लगा हुआ है, बड़े कंप्रेसर देख सकते लगा हुआ है, यहाँ बड़े बड़े जो भी कंप्रेसर रहते हैं सब कॉमन जो है कनेक्ट रहते हैं। और ये देख सकते रहेंगे LP प्रेशर स्विच है, HP प्रेशर स्विच है, इसी तरह से तीनों कंप्रेसर में HP और LP प्रेशर स्विच लगाया हुआ है। LP और HP प्रेशर स्विच का काम क्या रहता है, जैसे आप लोग जानते रहेंगे हाई प्रेशर लो प्रेशर इसका फुल नेम रहता है। जैसा कि LP प्रेशर स्विच है तो ये लो प्रेशर है, और ये HP है तो हाई प्रेशर, यानी कि हाई प्रेशर गैस ज़्यादा होने पे ये कट ऑफ करेगा, गैस लो होने पे LP प्रेशर से कट ऑफ करता है, सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, बंद करता है। यहाँ पे इसका कुछ कंट्रोल्स वायरिंग रहता है, यहाँ पे देख सकते रहेंगे कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ पर जो सिस्टम को हमारा वर्क करता है। ये हमारा कंडेंसर का जो कंडेंसर ये जो हमारा का है, सभी कॉन्ट्रेक्टर जो है एक एक कंप्रेसर के लिए, तीन कंप्रेसर के लिए, एक ब्लोअर मोटर के लिए रहता है। और यहाँ से देख सकते हैं मेन पावर जो है इनकमिंग होता है, और यहाँ से जो है ये दो सब रहता है HP LP स्विच के लिए, सेंसर के लिए, यहाँ से कनेक्ट होकर के आगे जाता है, वन बाई वन पावर जाता है। नंबरिंग से कोड के हिसाब से रहता है। इसका जो है डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आगे हम पार्ट में जानेंगे किस तरह से वायरिंग इसका रहता है। अगर बहुत कितने लोग इंटरेस्टेड हैं वो कमेंट में बता सकते रहेंगे। यहाँ पर देख सकते रहेंगे RYB न्यूट्रल जो तीनों फेज जो है जाता है, उसके बाद में जो PCB रहता है इसमें जो है तीन कंप्रेसर है, HP LP HP LP इस तरह से जो है तीन का अलग अलग जो रहता है सेंसर का वायर डायरेक्टली जो है इसमें लगा हुआ रहता है, PCB में लगा हुआ है। तब देख सकते रहेंगे अलग पार्ट का कलर कोडिंग इसी ऊपर रहता है, नाम रहता है, साइज का कोडिंग वगैरह ना समझ में आए आपको तो आगे हम पार्ट में फिर से बता दें। इसका वायरिंग जो है डिटेल्स में जानने के लिए अगले पार्ट में जानेंगे। ये हमारी रिव्यू वीडियो है, इसमें सिस्टम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं क्या क्या चीज़ रहता है। ये देख सकते रहेंगे क्वाइल है जो एम्पियर को मेजर करता है सिस्टम में, कंप्रेसर के कंट्रोल्स की। ट्रांसफार्मर रहता है वोल्टेज को कंट्रोल करता है, और HP LP प्रेशर स्विच का फ्यूज वगैरह कंट्रोल्स रहता है।
यहाँ पे तीन कंडेंसर रहता है, कोटेक्टर है, यहाँ से आउटपुट रहता है जो मेन हमारा ब्लोअर के लिए हो गया और कंप्रेसर के लिए हो गया। यहाँ से तीनों फेज दे सकते हैं, चार कंडक्टर लगा हुआ है, तीन हमारा जो है कंप्रेसर के लिए है और एक जो हमारा ब्लोअर मोटर के लिए लगा हुआ है। बाकी इसके अंदर सिस्टम में दे सकते रहेंगे, इसके पीछे जो लगा हुआ है ब्लू कलर का एक कंडेंसर लगा हुआ है, साइलेंट ट्यूब टाइप कंडेंसर है। एक कंडेंसर का भी डिटेल्स में आगे हम जानेंगे, इसमें आप देख सकते रहेंगे। नॉर्मली बेसिक चीज़ें बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, जो हमारे नए टेक्निशियन भाई लोग रहे जो इसी के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उन लोग के लिए वीडियो बेस्ट रहेगा। तो आप देख सकते हैं पीछे प्रेशर रिलीफ वाल लगा हुआ है, इसके अंदर ज़्यादा प्रेशर हो गया ऑटोमेटिक तो वहाँ से ऑटोमेटिक रिलीफ हो सकता रहेगा, चेंज हो सकता रहेगा, और सर्विस वाल भी रहता है। तो पीछे इसके अंदर जो हमारा कंडेंसर नहीं रहता है, कंडेंसर डायरेक्टली हमारा साइलेंट ट्यूब टाइप कंडेंसर रहता है। यहाँ पर लाइट हो रहा है, इंडिकेट कर रहा है, यानी सिस्टम सभी प्रोटेक्ट है, वर्क कर रहा है। यहाँ से मेन पावर इनकमिंग होता है और सभी पार्ट में जाता है। तो देख सकते रहेंगे सभी चीज़ कोई एरियर आ गया है और कुछ भी रहता है तो हमारा पीसीबी में डायरेक्ट शो कराता है। यहाँ सेंसर लगा हुआ है, ये सेंसर डायरेक्ट हमारा जो पाइप के साथ में, कंडेंसर के साथ में और HPLP से रहता है और बहुत से सेंसर रहते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं, लगे रहते हैं। यहाँ से नंबर के हिसाब से रहता है, HPLP प्रेशर स्विच का, कंट्रोल्स का, तो उसे रिपेयर करने में भी आसानी रहता है, ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट कोई नहीं रहता है। यहाँ पर वायरिंग वगैरह है तो इससे वायरिंग से आपको क्लियर समझ में आएगा, डाउट जो भी रहता है कि उस तरह से एक एक वायर को अगर बताएंगे लेकिन शायद बहुत से मैंने टेंशन बारे में उनको नहीं समझ में आता है। तो नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे उसके बारे में डिटेल्स में और इसमें क्या क्या कोड आते हैं, जैसा कि आप देख सकते रहेंगे CT है, BF है, CT HPLP रहता है, उसके बारे में कोड है तो उसका भी आगे डिटेल्स में हम जानने वाले हैं। तो इस तरह से और जानकारी के लिए और वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आता है, ऑन नोटिफिकेशन आता है, उसको ऑन जरूर करें, जिससे कुछ भी इस तरह से पैकेज एसी, सेंट्रल एसी, स्पीड विंडो, इन्वर्टर एसी के बारे में कुछ भी वीडियो बनाए तो आप लोग पास भेज सके और आप भी लोग सीख सके, देख सके, जान सके और इसका फ़ायदा ले सके। तो आप देख सकते रहेंगे हमारे पास और भी HVAC के कुछ आइस आया हुआ है, पैकेज एसी है, तो क्यों आइस आया है, क्या कलर से आइस आता है, इसके बारे में आगे हम जानने वाले, सीखने वाले, देखने वाले हैं। अगर एक चीज़ और बताते हैं, आप ऑनलाइन कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है, AC, फ्रिज, वाशिंग मशीन का स्पेयर पार्ट्स खरीदना चाहते हैं या टूल्स खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप विजिट करके बाय कर सकते रहेंगे, उसका फ़ायदा ले सकते रहेंगे। बहुत से अभी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का ऑफर चल रहा है, उसका फ़ायदा ले सकते रहेंगे, जान सकते रहेंगे, सीख सकते रहेंगे। अगर आपको जानकारी किया अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, आप कमेंट में बता सकते रहेंगे और आगे क्या चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं वो भी आप बता सकते रहेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट ही करेंगे, आप ये वीडियो जो है नए टेक्निशियन नए लोग पास शेयर करिएगा, जो लोग कोर्सेज कर रहे हैं ये फील्ड में आना चाहते हैं, नए टेक्निशियन हैं, उन लोग तो वीडियो शेयर करें जिससे और लोग भी जान सके, देख सके। ये वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, अदर सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते रहेंगे जिससे हमारे नए टेक्निशियन भाई लोग तक पहुँच सके, जान सके। तो ये चैनल पर इस तरह से हम अलग पार्ट के अलग टाइप के वीडियो बनाते रहेंगे, जो हमारे नए टेक्निशियन भाई लोग हैं उनसे जुड़े रहें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने में जो आता है बेल आता है ऑन जरूर करें। आज आपका दिन शुभ हो, थैंक।